अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ग्रिफन और आप देख रहे हैं ग्रिफन स्पोर्ट्री। ग्रिफन स्पोर्ट्री में आपको खुश आमदी। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कूलिंग पैड की तरफ वजन कम क्यों होता है, ब्रॉयलर का वजन कम क्यों होता है और हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं और लाखों के नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तक हर वीडियो पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्रॉयलर का जो पैड की तरफ वजन होता है वो कितना कम होता है। तो मेरे सर्वे के मुताबिक ये 200 ग्राम तक का जो वजन है वो कम होता है फैन साइड से पैड साइड का। ब्रॉयलर जो 35 दिन के अंदर उतनी फीड खा के वो 2 किलो कर रहा है जो दरमियान में, और जो पैड साइड पे है वो उतनी फीड खा के 1800 ग्राम वजन कर रहा है। तो ये इतना वेरिएशन क्यों है? ये जितनी बड़ी साइट होती है उतना ज्यादा इसमें वेरिएशन होता है। लेंथ जो शेड की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग जो वेट के अंदर वेरिएशन आती है, इसको हमने कम से कम करना है। देखने में तो ये मामूली सी जो है फर्क, मामूली सा फर्क लग रहा है, लेकिन आगे जाके मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ कि इसका हमें लाखों में नुकसान हो रहा है और हम ऐसे लाखों कैसे बचा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जितनी बड़ी साइट होती है उतना ज्यादा हमें नुकसान होता है, क्योंकि जो FCR होती है वो 35 दिन के अंदर हम हासिल करते हैं और उसको फिर 35 दिन के बाद हम रखना, जो शेड होता है जो कम वजन वाले बर्ड होते हैं उनको हम रखना शुरू कर देते हैं। जब हम रखते हैं तो क्या होता है कि जो फीड का खर्चा है वो भी ज्यादा और होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फ्यूल जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही होती है वो ज्यादा बढ़ रही होती है, क्योंकि हमारा जो पहले सेल कर दिया उसने भी उतनी फीड खाई है और 2 किलो का वजन किया है, और इसने क्या किया है कि 1800 किया है, इसको हम 2 किलो तक लाते लाते हमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और 3 से 4 दिन लगने के साथ हमारा जो वजन होता है वो पूरा नहीं हो रहा होता है और हमें जो वो कॉस्ट पड़ रही होती है। वो कितनी कॉस्ट पड़ती है वो मैं दिखाता हूँ। जितनी बारी बड़ी साइट होगी उतना हमें ज्यादा लॉस होगा। एक शेड हो तो बियर हो जाता है क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान होता है, लेकिन जो बड़े मालकान है जैसे बड़े ग्रुप्स हैं उनके लिए ये ऐसा बियर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये नुकसान बहुत ज्यादा बनता है। तो चले मैं एक रफ सा एस्टिमेट बताता हूँ कि कूलिंग पैड की तरफ सपोज करते हैं कि हमारा 5000 बर्ड है और उसका जो वेरिएशन है वो 200 ग्राम का, उसको हम 5000 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो कोई 10 लाख ग्राम बन जाती है। इसको हम कन्वर्टिंग केजी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1000 केजी बन जाता है, मतलब 1000 किलोग्राम बन जाता है। आज का रेट सपोज है हमारे पास जो चल रहा है आजकल वो 160 रुपये, 160 रुपये को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 1,60,000। 1,60,000 का हमें एक शर्ट से नुकसान हो रहा है। तो अगर हमारे पास ज्यादा है, 4 हैं या 6 हैं या 8 हैं, इतने शर्ट है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे एक फ्लॉ को उतना हमें नुकसान हो रहा है। तो अगर हम एक शर्ट की भी बात करें तो एक शर्ट के अंदर अगर आप एक साल के अंदर आप 6 से 7 फ्लॉक लेके आ रहे हैं, तो अगर आप 6 फ्लॉक भी अब एक रन कर रहे हैं, एक 6 फ्लॉक आप पाल रहे हैं, तो उसका 9,60,000 नुकसान बनता है एक साल के अंदर। बिला वजह ये हमें एक इतना नुकसान बन रहा है, 9,60,000 का नुकसान बन रहा है। तो हमने करना क्या है कि जो जितनी ज्यादा लेंथ होती है इसको हमने इसके अकॉर्डिंगली हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, फीड को मैनेज करना है, और जो हमारे पास कूलिंग पैड होता है उसको मैनेज करना है। इससे ये सुपरवाइजर जो होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस छोटी सी बात पे जो है तवज्जो नहीं देते। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप थोड़े वक्त में आपको एक अच्छी बात बता दूं और एक इफेक्टिव बात बताऊं जिससे आपको फायदा हो। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक स्पेस कैचिंग से बताया था कि आप कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर विजिट करें। तो जितनी बड़ी साइट होगी उतना ज्यादा हमें नुकसान होगा। अब इससे हम बच सकते हैं, इस नुकसान से हम बच सकते हैं, ये कैसे बच सकते हैं वो हम देखते हैं। तो अगर ये सुपरवाइजर जो होते हैं इनको इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे कुछ मैनेजमेंट करनी चाहिए कुछ। हम सबसे पहले देखते हैं कि इतना वजन कम किस वजह से होता है। इतना सबसे जो कम जो वजन है इसकी वजूहात में सबसे पहले आती है फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होती है। फर्ज करें जैसे कि हम देखते हैं कि जो गर्मियों का सीजन चल रहा है, हमें बार बार कूलिंग पैड चलाने पड़ते हैं। जैसे हम कूलिंग पैड को ऑन करते हैं तो पानी आता है, तो हवा ठंडी आती है अंदर शेड के अंदर और बर्ड को ठंडी हवा का एक्सपोजर होता है जिससे उसे सर्दी फील होती है। और जैसे जैसे पैड जो होते हैं खुश्क होते रहते हैं, पैड खुश्क होने के साथ उसका जो हवा होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है और बर्ड को गर्म हवा लगती है, और ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर है जिसकी वजह से जो वेट है वो कम होता है। उसके बाद वेंटिलेटर, जैसे हमने कूलिंग पैड को ऑन किया
नमी थी वो लीटर के अंदर आ गई और लीटर जो वेट हो गया। लीटर वेट होने के साथ से क्या होता है कि जो बर्ड होता है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, अनकंफर्टेबल होता है और बैठना पसंद नहीं करता और स्ट्रेस में आ जाता है। जैसे स्ट्रेस में आता है तो उसकी फीड इनटेक कम होती है, फीड इनटेक कम होने से क्या होता है कि उसका जो वेट गेन है वो भी कम हो जाता है। हाई स्टॉकिंग डेंसिटी, आपने देखा होगा कि जो कूलिंग पैड की तरफ बर्ड हडलिंग करना शुरू कर देता है, हडलिंग से क्या होता है कि इकट्ठा होना शुरू कर देता है, जिससे स्टॉकिंग डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है और बर्ड स्ट्रेस में आता है। उसके बाद आता है लेस एक्टिविटी ऑफ बर्ड, जब बर्ड की एक्टिव जब स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी उसको स्पेस कम मिलेगी एक्टिविटी के लिए और उसकी जो एक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बर्ड है वो स्ट्रेस में आएगा और उसका जो फीड इनटेक वो भी कम होगा और वेट गेन है वो भी कम होगा। और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, सफोकेशन होती है और जिसे सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से भी बर्ड स्ट्रेस में आता है और उसका जो वेट गेन है उसमें फर्क आता है और कम वेट गेन करता है एज एज कंपेयर टू अदर जो साइट्स होती हैं। और डेवलपमेंट ऑफ मोर फेदर, बर्ड के अंदर जो फेदर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है और जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से भी इसका जो जो वजन है वो कम होता है। और जो फेदर की डेवलपमेंट कैसे होती है, फेदर की डेवलपमेंट ऐसे होती है कि उससे जब बर्ड को ठंड लगती है तो वो अपने आप को इंसुलेशन करने के लिए कवरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उसे फेदर की डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है। और सोल्यूशन इसका क्या है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बचाना है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ चिक्स टुवर्ड द कूलिंग पैड, कूलिंग पैड की तरफ जो नंबर ऑफ चिक्स होंगे उसको कम करना है। जितने कम होंगे बर्ड उतना ज्यादा एक्टिविटी होगी और बर्ड की एक्टिविटी होने के साथ वो फीड इनटेक भी ज्यादा होगा और फीड इनटेक ज्यादा होने के साथ उसका वेट भी अच्छा आएगा। और उसके बाद इंक्रीज द नंबर ऑफ फीडर्स, आपने वहां पे फीडर की जो फीड है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने फीडर का नंबर बढ़ा देना है, क्योंकि हमने देखा है कि जो कूलिंग पैड की तरफ 10 से तकरीबन 20 फुट के दरमियान जो फीडर लाइन है वो खत्म हो जाती है और यहाँ पे जो बर्ड होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फीड खाने में जो फीड कम मिलती है और उसका वेट इसलिए कम होता है। तो इसको आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ फीडर्स एक्स्ट्रा फीडर्स पे लगा दें ताकि जो बर्ड तक फीड पहुंचती रहे। और मैनेज द टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को मैनेज करना है, टेम्परेचर को जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको कम करना है ताकि आपका जो बर्ड है उसको कभी ठंडी और कभी गर्म हवा का एक्सपोजर ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बर्ड है वो स्ट्रेस में नहीं आएगा और वेट गेन अच्छा करेगा। और आपने क्या करना है कि लीटर को मैनेज करना है, लीटर को वेट नहीं होने देना है, लीटर को आपने ड्राई रखना है, जिसकी वजह से जो बर्ड है उसको जो बेडिंग मटेरियल अगर कंफर्ट होगा तो वो क्या होगा कि जो बर्ड भी कंफर्टेबल होगा और वेट गेन भी अच्छा करेगा। उसके बाद आपने एक गार्ड बना देना है, एक आपने पार्टीशन लगा देनी है कि इतने बर्ड जो हैं वो पैड की तरफ रहें, ताकि जो जितने बर्ड होंगे वो अच्छी तरीके से मैनेज होंगे और अच्छा फीड खाएंगे और इस तरह से हम इससे इतने नुकसान से बच सकते हैं। हमने कोशिश करनी है कि इसको जो ये जो 200 ग्राम का फर्क है इसको हम कम करें, क्योंकि 35 दिन के अंदर आप सेल आउट करना शुरू कर देते हैं और जो 2 किलो का हो जाता है उसको आप सेल कर देते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसको आप क्या करते हैं कि रख लेते हैं 2-3 दिन। अब ये जो 2-3 दिन है ये अब एक्स्ट्रा उसको फीड दे रहे हैं, एक्स ट्रा लाइट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा उसके लिए फैन चला रहे हैं और एक्स्ट्रा मुश्किल हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब सर्दियों में या गर्मियों में ये दोनों सीजन के अंदर ये होता है कि इसको जो मैनेज करना ये आपका काम है और इसको कैसे मैनेज करना है ये चंद एक सॉल्यूशंस है। अब सिर्फ इन ये जो 5 चीजें आप कर लें इससे आपका जो इतने लाखों रुपए है, 9 लाख जो 60 हजार है एक शेड से 1 साल के अंदर वो आप बचा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुंचती रहे। तो अगर आपका कोई सुजेशन है तो वो आप कमेंट में दीजिए और अगर आपका कुछ सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।